हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इन्हें ग्रीन फूड प्रेवर करेंगे। ये एक नेचुरल ग्रीन फूड है, ये घास है और इसमें मैंने लोबिया की फलियां ली हैं। मैं जब घास देता हूँ तो उसके साथ एक आइटम और ऐड कर देता हूँ, चाहे पालक हो, हरा धनिया हो, पुदीना हो, ये सब में हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे। आज थोड़ी गर्मी ज़्यादा है, इसमें इससे नहा भी लेंगे और इतना जो इन्हें खाना होगा वो खा लेंगे। और मैं दूंगा सबको इनके हिसाब से। आइए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए, मैंने इनका आगे रख दिया है, तो ये देखिए जाली पे भी लटकने स्टार्ट हो गए हैं। इधर ये कॉकटेल भी सौ फुट को देख रहा है, ये सब इनकी बस निगाह है कि एक बार इन्हें ये सौ फुट मिल जाए। ये ग्रीन फूड हम सबको थोड़ा थोड़ा देंगे, जावा को, फिंच को, कॉकटेल को, अगीस को। देखिए नीचे को आ गए हैं, ग्रीन फूड मांग रहे हैं। ये हमने कॉकटेल को दे दिया है ग्रीन फूड। ये मेरे पास जितने भी कॉकटेल हैं सभी किसी न किसी उसके स्प्लिट हैं। ये पेशलेस के भी स्प्लिट हैं इसमें, और बटरफ्लाई के भी तीन पीस इसमें स्प्लिट हैं। वैसे तो ये सादे हैं और इसमें पर्ल टाइप के हैं। ये पर्ल के मेल हैं, ये दो एक से हैं। इसमें पाइड है एक, इसे हमने इस जोड़े को भी दे दिया है। ये देखिए सभी शौक से खाते हैं। ग्रीन फूड और सॉफ्ट फूड हमें ज़रूर देना चाहिए, इससे ब्रीडिंग में बहुत हेल्प मिलती है। क्योंकि अगर ये वैसे अपने माहौल में रहते तो इन्हें जिस कैल्शियम विटामिन की चीज़ों की ज़रूरत होती वो इसी से पूरी कर ली। ये हमने फिंच को भी दी है ग्रास, और मैं इन्हें नेस्टिंग में फिंच को यही देता हूँ ग्रास, इससे नेस्टिंग भी कर लेती हैं और खा भी लेती हैं। इन्हें नेस्टिंग करना बहुत पसंद होता है फिंचिस को, तो आप अगर नेस्टिंग के नहीं दिया करें तो आप इन्हें ये ग्रीन ग्रास दिया करें। इसे गधा घास भी कहते हैं, ये कहीं पे भी आपको आसानी से मिल जाएगी, बस तोड़ के लानी पड़ती है। इनसे बहुत अच्छी इन्हें जो इनकी कैल्शियम विटामिन की कमी होती है इनसे दूर हो जाती है। हमें ग्रीन फूड टाइम से देना चाहिए, ये नहीं आप रोज़ाना दें, आप इन्हें टाइम टेबल के हिसाब से दें और रोज़ाना कुछ अलग चीज़ दें। जैसे बजरी हुए उन्हें तो मैं एक दिन छोड़ के सॉफ्ट फूड देता हूँ, और कॉकटेल लबट को तो मुझे रोज़ाना देना पड़ता है सॉफ्ट फूड, वो भी सुबह शाम। इनका तरीका अलग होता है ब्रीडिंग का, थोड़ा इन्हें ज़्यादा ज़रूरत होती है सॉफ्ट फूड की। सॉफ्ट फूड से ही परिंदे के बच्चे जो होते हैं वो सही तरीके से पलते हैं, जो उनका साइज़ ग्रोथ होता है उससे ही एकदम फूल के आते हैं और अच्छा साइज़ उनका निकलता है। फिर अच्छे होते हैं वो, अच्छे साइज़ में होते हैं तो खूबसूरत भी काफ़ी निकलते हैं। ये देखिए फिंचों ने घास खानी स्टार्ट कर दी है। ये अब हम अपने लबट को देंगे, मेरे पास दो जोड़े हैं अभी तो फिलहाल लबट के। ये उधर मैंने केज में वो घास डाली है तो वो उधर ही लटके हुए हैं, अभी इन्हें दिए नहीं है तो थोड़े बेचैन हो रहे हैं। ये एक पेयर उसका है, ओलिव की मादी ने, और वाइल्ड मास का मेल है, और इसमें ये फिशर का मेल है और एक येलो मेल है। ये अब इन्हें हम डालते हैं, इधर को देख रहा है, मेरे हाथ में गिरा से ही आने की कोशिश कर रहा है। अब ये घास मैंने लाने के बाद एक बार अच्छी तरीके से धो ली थी और ये अभी थोड़ी गीली है, तो इसमें ये इसमें नहा भी लेंगे। जंगलों में इन्हें यही चीज़ें मिलती हैं खाने को, और इससे इन्हें अपनी जो भी कैल्शियम विटामिन की कमी होती है वो दूर कर लेती हैं। नेस्टिंग में भी परिंदे जो इस्तेमाल करने होते हैं कुछ इन्हें नेस्टिंग में भी ले जाते हैं, बाद में मैं इसे हटा लेता हूँ कभी कभी अगर ज़्यादा डाल देता हूँ। ये आप देखिए कितने शौक से खा रहे हैं ये। इन्हें थोड़ी थोड़ी ऐसी चीज़ें दे देनी चाहिए जो इन्हें जंगल में प्रेफर होती हैं, हमें सब बातों का ख्याल रखना चाहिए। अब देखिए जावा को देनी है, जावा बेचैन हो रही है हमारी। ये मेरे पास डब का एक जोड़ा है, ये मैं हाल फिलहाल में लाया हूँ, अभी ये सेमी एडल्ट है। इंशाल्लाह इसकी भी आगे प्रोग्रेस हुई तो डब भी लाएंगे और ज़्यादा। देखिए जावा भी आ गई है ग्रीन फूड खाने के लिए, और डब भी खा रही है, एक डब आ गई है। इससे बहुत फ़ायदे होते हैं, हमें टाइम टू टाइम सब बातों का ख्याल रखना चाहिए। ये बहुत अच्छा सोर्स है और इसमें कोई ख़र्चा भी नहीं है, बहुत परिंदा खुश रहता है इन चीज़ों से, और ब्रीडिंग में सबसे ज़्यादा हेल्प इन्हीं से मिलती है। तो आप सब चीज़ों का ख्याल रखा करें।
अच्छा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है अगली वीडियो पर एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें, अपने परिंदों का ख्याल रखें। अच्छा अस्सलाम वालेकुम।